इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बीते दिन ग्राम पंचायत मगरदाहा में सरपंच की अध्यक्षता एवं समाज सेवी प्रभात द्विवेदी के बिन्नू के मुख्य अतिथि में कोल समाज के लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिजली की समस्या निवारण के लिए पूर्व में दिए गए आवेदन पत्र ज्ञापन के संबंध में समीक्षा की गई। साथ ही आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर सरकार बिजली की समस्या का 15 दिन के भीतर समाधान नहीं करती तो कोल समाज के लगभग 1200 आदिवासी शहडोल पहुंचकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अब क्षेत्र के आदिवासियों को कई समाज सेवी संस्थाओं का समर्थन भी प्राप्त हो जाने से आदिवासियों के हौसले बुलंद है। आज गांव में लालटेन यात्रा और हाथ में कैंडल लेकर विरोध जताते हुए सरकार को चेताया गया कि अगर समय रहते आदिवासियों के गांव में बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई तो आदिवासियों का आक्रोश फूटकर आंदोलन का रूप ले सकता है। समाजसेवी प्रभात द्विवेदी ने आदिवासी समाज के लोगों को भरोसा दिलाया कि पंचायत के विकास के लिए हर संभव प्रयास तन मन धन से किया जाएगा और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का दृढ़ संकल्प लिया। इन आदिवासियों को साथ देने के लिए शैलेंद्र मिश्रा सरपंच ग्राम पंचायत कुम्हिया भी आगे आए। सरकार को चेताया कि इन आदिवासियों के हितैषी बताने वाली सरकार को इन आदिवासियों के बच्चों के भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं है, जबकि आदिवासी विधायक शरद जुगलाल कोल क्या आदिवासी परिवार समाज की मुख्य धारा से अलग है? इन्हें तो इन भोले भाले समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करनी चाहिए, लेकिन आदिवासियों की उपेक्षा शायद विधायक जी को समझ न आ रही हो। इस विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा के कारण पृथक विंध्य प्रदेश की मांग अब जोरदार ढंग से लक्ष्मण तिवारी पूर्व विधायक मऊगंज रीवा का साथ मिल जाने से आदिवासी समाज के लोग अब आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। अब प्रशासन क्या कार्रवाई करता है देखने वाली बात होगी। शहडोल से जिला ब्यूरो चीफ बी के तिवारी। क्या नाम है आपका? प्रभात द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत मगरदहा। यहाँ क्या समस्या है? यहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं। लगभग यहाँ के लोगों को यहाँ घर बनाए हुए 100 साल से ज़्यादा हो गया है और यहाँ पे इनको मूलभूत जो सुविधाएं हैं, लाइट है, पानी है, रोड है और आंगनवाड़ी की सुविधा। जैसे आंगनवाड़ी को आप देखिए, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। आंगनवाड़ी छोटे बच्चों के लिए होती है। लाइट यहाँ नहीं है और अगर यहाँ कोई मेडिकल सुविधा भी होती है तो रोड ही नहीं है। जब रोड ही नहीं है तो लोग जाएंगे कैसे? ये समस्या कितने वर्ष से है यहाँ की? अब यहाँ के जो लोग सियाने लोग बता रहे हैं कि 100 साल तो इनको यहाँ पे घर बनाए हो गए। 100 सालों से समस्या चल रही है, लगभग आज़ादी से पहले का है। इस संबंध में विधायक या और कहीं पे आपने शिकायत किया या इन लोगों ने 2 साल पहले 1 साल पहले विधायक जी को एक आवेदन दिया था, इन लोगों ने बताया हमको। फिर अभी हमने 1 महीने पहले विधायक जी और सांसद जी को पत्र दिया है अपने माध्यम से और जो भी संबंधित अधिकारी हैं, और अभी 17 तारीख को हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है SDM साहब को जी अवगत कराने के लिए, बट अभी तक किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है जी। आताराम, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम समन है। समन। कितने साल की हो गई आप? हैं? 61 साल। 60 और 1 है ना? तो आप ये बताइए, यहाँ आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या है? का है ये बिजली का है? बिजली का का है? हमें यह चाहिए कि हमें बिजली। बिजली मतलब का है? लाइट। हाँ हाँ यार, रोड का मतलब अपना दो चीज चाहिए। बाल गोविंद कौर, ग्राम बरहाई। हाँ, तो आप क्या अभी बताना चाह रहे थे ना, विधायक जी क्या बोले आपसे मुलाकात हुई? तो कब मुलाकात हुई थी? विधायक जी से पहले भी गए थे, 2020 में भी गए थे, तो उनके पिताजी से मुलाकात हुई। उनके पिताजी बोले कि वो देख लेंगे बेटा हो गया, जाइए, इसकी समस्या हमारे है। हाँ, हम करवाएंगे। तो विधायक जी से मुलाकात नहीं हुई आपकी? फिर इसके बाद दो आप अपना नाम बताइए। राम खिलावन कोल। ग्राम, पूरा एड्रेस बताइए आप। राम खिलावन कोल, श्री राम खिलावन कोल जी। और समस्या बताइए आपकी। समस्या अन्नदाता, हमारे यहाँ मनो लाइट की है, रोड की है। हाँ, स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर। तो आप यहाँ बिजली की कैसी समस्या है? बिजली की समस्या ऐसा है कि ये तीसर पीढ़ी हो चुकी, बाप जो पिता। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज़।